नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी वो एक और पेपर की थी, 19 अगस्त। ठीक है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि एक सिस्टम से तुम्हारा ये पूरी मतलब पेपर का सारे क्वेश्चन कवर होते जाएं। मैथ मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आज मैं आपको 28 सितंबर, ठीक है, सेकंड शिफ्ट थी, 3 बजे पेपर हुआ था 28 सितंबर को, तो इसका मैं आपको जीके करा रहा हूँ। और इससे पहले आपको पता है कि 28 सितंबर का मैथ की जो क्वेश्चन थे वो कवर हो गए थे। तो मैथ और जीके, मैथ रीजनिंग और जीके दोनों साथ में चल रहे हैं और एक ही पेपर में, जैसे मैथ रीजनिंग भी होगा और पूरा ही पेपर हो जाएगा आपका कवर। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। आज का जो पेपर है 28 सितंबर का है, सेकंड शिफ्ट का है, और वहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिख रहा है, सामने लिखा हुआ है कि इनमें से किस क्रिकेट टीम ने 2017 की देवधर ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, थोड़ा सा गैस करो, आपको अपने हिसाब से आंसर सोचना है किसका आंसर क्या होगा। तो देखो, अब इसको देख के क्या लग रहा है, वर्तमान में तो अभी 2020 चल रहा है, लेकिन इसमें दिख रहा है 2017 की देवधर ट्रॉफी। इसका मतलब ये है कि देवधर ट्रॉफी है, मुश्ताक अली ट्रॉफी है ना, और भी कोई भी अगर ऐसा लोकल में, यानी नेशनल लेवल पर ये गेम्स होते हैं और नेशनल लेवल पर ये टीम है इसमें उतरती है, चाहे वो इंडिया बी टीम हो, एक इंडिया ए टीम भी है, एक सेना टीम भी है, एक रेलवे टीम भी है, बड़ौदा है, तमिलनाडु है, मुंबई है, तो नेशनल लेवल पर ये इनका आयोजन किया जाता है और ये टीमें भाग लेती हैं और इनमें कॉम्पिटिशन होता है। इसमें आपका सुल्तान अजलन शाह भी आपने सुना होगा, मुश्ताक अली ट्रॉफी भी सुनी होगी आपने, और ये देवधर ट्रॉफी आपके सामने लिखी हुई है। तो इसमें विजेता का नाम पूछा गया है, यानी कि जब भी कोई मैचेस वगैरह होते हैं खासतौर से नेशनल लेवल पर, कौन विजेता बनना, उस विजेता को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो 2017 में ये जो मैच हुआ था इसमें जो विजेता बनने वाली जो टीम थी, ठीक है, तो बोले विजेता टीम कौन सी थी, तो विजेता टीम जो थी वो थी इसमें तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु ने ये मैच जीता था। तो कहने का मतलब ये है कि अपन को ये पता होना चाहिए कि हालांकि 2017 का है तो अपन 2017 के हिसाब से अब नहीं पूछेगा 2017 में 16 में किसने जीता था, लेकिन 2019 का पूछा जा सकता है, 2020 का पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो देवधर ट्रॉफी है 2017 में किसने जीती, देवधर ट्रॉफी जो है 2017 में जीती थी तमिलनाडु ने। अभी 2019 में जो कॉम्पिटिशन हुए होंगे, 19 के बीच में तो इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, कोविड-19 के कारण आपको पता है काफ़ी सारे मैचेस जो हैं वो निरस्त कर दिए गए, लेकिन 2019 के स्पोर्ट्स वाला में एक और वीडियो आपको अपलोड करूंगा जिसमें देवधर ट्रॉफी है या आपका अजलन शाह कप है या आपका मुश्ताक अली ट्रॉफी है, तो स्पोर्ट्स वाला एक अलग वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, आपको वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन दिया था इसमें कि महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2016 किसने, मतलब 2016 में एक महिलाओं की एक एशियन ट्रॉफी जो हुई थी, ठीक है, तो इसमें कौन सी टीम जीती, चीन ने जीता, भारत ने जीता, जापान ने जीता या पाकिस्तान ने जीता। तो ये जो कंपटीशन हुआ था 2016 में हुआ था, पेपर हो रहा है 2017 का, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2016 के, 2017 के करंट, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स इसमें आ गया, इसमें हालांकि जो विजेता टीम है वो विजेता टीम है आपकी भारत, क्योंकि इस मैच को किसने जीता था, भारत ने जीता था, क्योंकि हमारी भारत की टीम भी बहुत अच्छी है, बढ़िया खेलती है, शानदार खेलती है, क्योंकि हॉकी की टीम है तो आपको पता है हॉकी की टीम में अपने भारत का भी बहुत अच्छा एक अच्छा रोल रहा है। क्रिकेट की टीम में भी हमारा भारत बहुत अच्छे से चल रहा है, और क्रिकेट में देखा जाए तो आपको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट महिला टीम की जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ, जैसे एक बॉलर हैं झूलन गोस्वामी, आपने नाम सुना होगा, मिताली राज बहुत अच्छी बैट्समैन है, कैप्टन भी हैं, तो मिताली राज का आपने नाम सुना होगा, झूलन गोस्वामी का नाम सुना होगा, और भी काफ़ी सारी ऐसी खिलाड़ी हैं जिनके नाम हाईलाइट हो रहे हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जो मैच हुए थे, कॉम्पिटिशन होती है, जो भी चैंपियनशिप होती है, गेम्स होते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अपन 2019 का स्पोर्ट्स वाला एक टॉपिक का एक वीडियो डालेंगे, तो आप जरूर उसको देखना, और अपना ये जो ट्रॉफी है 2019 में किसने जीती है, 18 का नहीं 19 का कर लेंगे तो सफिशियंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1976 में अपनाए गए संशोधन के माध्यम से संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को शामिल किया गया। मूलभूत कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य, इसमें क्वेश्चन आया है मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, एक फंडामेंटल ड्यूटी होती है, तो बेटा ये क्वेश्चन आया है आपका
संविधान में से, ठीक है, संविधान में से क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर इनकी डिटेल आती है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, 51 काम है, मौलिक कर्तव्य आते हैं। ये मौलिक कर्तव्य के बारे में अपन को, आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन के आया है। तो जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो 51 क के अंतर्गत है। दूसरा जो भाग होता है, भाग 5 क में मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है, चाहे तो आप अपने हिसाब से नोट कर लेना। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। अब बोले कब जोड़ा गया था, तो इनको जोड़ा गया था इस संविधान संशोधन में, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, 76 में ये संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट जिसे अपन बोलते हैं। और इस संविधान संशोधन के अंदर 11 मतलब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10। वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में। लेकिन जब 51 का जोड़ा गया था उस समय हमारे सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था, एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था, तब जाके हमारे पूरे 11 मौलिक कर्तव्य हुए थे। अब एक मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अब बोले ये क्या था, तो ये था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करें, यानी कि उनके जो माँ बाप हैं 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा मिले। कैसी शिक्षा मिले, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था तो करें लेकिन कैसी उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, और निःशुल्क शिक्षा मिलने से स्वाभाविक है साक्षरता अच्छी होगी, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये मौलिक कर्तव्य हमने लिया है रूस से। किसे लिया है, रूस से, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है। अगर आप अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करोगे तो आपकी जो फैमिली है, आपके जो घर वाले हैं, वो आपसे रूस जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। हमने ट्रिक बना ली कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है वो अपन को याद हो जाए, ठीक है। ये आ गया, यानी कि आपका जो क्वेश्चन बना था कि 1976 में अपनाए गए किस संशोधन के माध्यम से संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो वो था आपका 42वां संविधान संशोधन। इसमें एक ऑप्शन और वो दे सकता था, 44वां संविधान संशोधन। ये 44वां संविधान संशोधन भी अपने आप में विशेष है, इसमें भी लगभग 3 बदलाव आए थे, और ये 42वें संविधान संशोधन में भी 3 बदलाव आते। तो आप संविधान जब पढ़ते हैं तो इन चीज़ों की पूरी डिटेल पढ़ते हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी इसे लघु संविधान भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। दूसरा, एक तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, दूसरा इसमें जो प्रस्तावना है हमारी संविधान की, उस प्रस्तावना में समाजवादी, एकता, अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है। और तीसरे नंबर का एक और पॉइंट था उसमें कि ये आपको बता ही दिया मैंने, तीसरे नंबर का एक और, एक तो ये पॉइंट था कि भाई इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था संविधान की प्रस्तावना में, और दूसरा जो आपके लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। फिर 44वां संविधान संशोधन हो, उसे दोबारा से 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया था, ठीक है। तो ये फैक्ट हैं जो आपको संविधान में पढ़ने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैं पूरी डिटेल तो मैं इसमें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि चूंकि अपन एक पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, इस पूरी डिटेल को पढ़ने के लिए आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा। और संविधान डिटेल में चाहे आप बुक से पढ़ें, चाहे कोचिंग पे पढ़ें, तब आपका संविधान पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि संविधान अपने आप में बड़ा विशेष सब्जेक्ट है। और इसको जहाँ तक है अच्छे से पढ़ने के लिए एक लगभग 1.5 से 2 महीने, 2 से 2.5 महीने देना पड़ते हैं केवल एक सब्जेक्ट संविधान को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब वो अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या और अच्छे लेवल, तो हो सकता है उसको और लंबा खींचा जाए। तो मिनिमम मेरे हिसाब से जहाँ तक है मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे मालूम है कि अगर मैं 1 घंटे भी क्लास दूंगा तो लगभग मेरे को 2 महीने तो मिनिमम संविधान को कराने में लगेंगे, ठीक है। तो तभी जाके सारी चीज़ें एक एक करके सारी चीज़ें अच्छे से तैयार होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस मंत्रालय ने हाल ही में अंतरा और छाया नामक दो गर्भ निरोधक आरंभ किए हैं। एक अंतरा है और
और एक छाया है, ठीक है। तो ये गर्भ निरोधक इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए ऐसी योजना शुरू की गई है, अंतरा और छाया, ठीक है। तो गर्भ निरोधक आरंभ किया गया है, तो ये इसलिए कि जनसंख्या को नियंत्रित करें। तो अब ये करंट अफेयर्स हाल ही में लिखा हुआ ना, हाल ही में का मतलब क्या होता है, अभी योजना बनी है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इस प्रकार के फैसले जहाँ तक है ज़्यादातर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो इस प्रकार के फैसले लेता है, ठीक है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये अंतरा और छाया नामक दो गर्भ निरोधक आरंभ किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तीन हो गए, देखते जाओ आप। ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे है? तो एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे है, क्योंकि आपको पता है अभी इससे पहले वाले पेपर में मैंने बताया था विदिशा किस नदी के किनारे, यानी कि नदी के किनारे बसे नगर खासतौर से एमपी के, वो भी अपन को अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे है, चूंकि नर्मदा दिया हुआ है तो नर्मदा हो नहीं सकता, अमरकंटक से निकलती है, गुजरात में जाके गिरती है, तो जीवन रेखा है हमारी। बेतवा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, ये भी नहीं है। महानदी उड़ीसा में है, तो अपना जो आंसर होगा वो होगा चंबल, ठीक है। कौन सी नदी होगी? चंबल। वैसे भी आपको मालूम है ग्वालियर से लगा हुआ चंबल संभाग है, ठीक है। तो चंबल संभाग है तो वहाँ पर चंबल नदी है, स्वाभाविक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। चंबल नदी का उद्गम जाना पाव पर्वत महू इंदौर से हुआ है, जाना पाव पर्वत महू इंदौर से इस नदी का उद्गम हुआ है। इस नदी का जो अंत है वो यमुना नदी में होता है, ये आपको पता होगा, यमुना नदी की सहायक नदी है क्योंकि इसका अंत यमुना नदी में होता है, ठीक है। लगभग 965 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी बोल सकते हैं। चंबल नदी पर आपका गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध है मंदसौर के अंदर। चंबल नदी पर आपका राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, ठीक है। और चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध है कोटा राजस्थान में, ये चित्तौड़गढ़ में है, ये कोटा में है, कोटा राजस्थान के अंदर। तो इस तरीके से हमें ये सारे फैक्ट अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाके हम ऐसे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक है ये चंबल नदी तो बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि भाई इसमें से विषम क्या है, तो विषम पूछा गया है कि भैया इसमें से विषम क्या है। लक्षद्वीप, दमनद्वीप, अंडमान निकोबार तीनों द्वीप दिख रहे हैं, ये राज्य दिख रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गुजरात इसका आंसर होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आया था पेपर में तो मैंने दे दिया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो देखो तीर्थ दर्शन योजना है, इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश की योजना है, तो कुछ ऐसी मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं पुरानी भी होते हुए भी पूछ लेते हैं। जैसे 2017 में पेपर हुआ था तो उसने पूछ लिया था एक राम रोटी योजना कब शुरू हुई थी, राम रोटी योजना कब शुरू हुई थी। ये राम रोटी योजना शुरू हुई थी मध्य प्रदेश में 2010 में, पेपर हुआ था 2017 में, यानी 2017 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन उसने पूछ लिया था, यानी कि योजनाओं से भी रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, वो योजना कितनी भी पुरानी हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है बेटा, ये शुरुआत की गई थी इसकी 2012 में, ठीक है। कब शुरू की गई थी? 2012 में, 17 में पेपर हुआ, 2012 में ये योजना शुरू की गई थी। तो स्वाभाविक है योजनाओं को, जो भी योजना बनती है, खासतौर से हमारी स्टेट लेवल पर कोई योजना बनती है या सेंट्रल लेवल पर ऐसी योजना जो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर है, उसको भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है ज़्यादातर, वैसे तो काली मिट्टी भी तीन प्रकार की होती है, और काली मिट्टी की एक विशेषता होती है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में चूने की अधिकता होती है, जिससे इसकी जल धारण क्षमता होती है। और काली मिट्टी अगर देखा जाए राज्यों के हिसाब से, तो बेटा राजस्थान तो है नहीं, जम्मू कश्मीर वैसे भी नहीं होगा, आप समझ सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, स्वाभाविक है इसमें ज़्यादातर एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है।
मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो अपन उसको बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, तो अपन उसके बारे में एक मिट्टी वाला वीडियो भी मैं आगे जाके मध्य प्रदेश का अपलोड करने वाला हूँ जल्दी, तो उसमें आपका मिट्टी वाला टॉपिक, वैसे मिट्टी वाला टॉपिक बहुत ही कम आता है, ना के बराबर, लेकिन बेसिक नॉलेज अपन को होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा, अब भारत का है, यानी कि इसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा है कि सबसे लंबा जलमार्ग पूछा है बेटा, जलमार्ग। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन दे दिया उसने नर्मदा नदी, दूसरा दे दिया बेतवा नदी, तीसरा इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी, और सादिया धुबरी पट्टी ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखो जलमार्ग तो मैं आपको बता दूं, जलमार्ग जो सबसे पहला जलमार्ग है हिंदुस्तान का, एन डब्ल्यू वन आता है आपका इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है। एक एन डब्ल्यू टू पढ़ते हैं हम, एन डब्ल्यू टू आता है सादिया से धुबरी पट्टी। अब आप अपने आप को चेक करो कि आपको याद है कि नहीं, और नहीं है तो आपको पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। एन डब्ल्यू थ्री कोल्लम से कोट्टापुरम, ये सारी चीजें हम इंडियन ज्योग्राफी में कराते हैं, ठीक है। एन डब्ल्यू फोर काकीनाडा से मराकनम, ठीक है, ऐसे नाम है कि स्टूडेंट इनको बिल्कुल याद नहीं करता। एन डब्ल्यू फाइव पर हम कराते हैं तो जरूर करता है, तलचर से धामरा, क्लियर। और एन डब्ल्यू सिक्स लखीपुर से भागा, लखीपुर से भागा। अब सोचिए अगर आप इस तरीके से पूरे नाम ही याद कर लोगे तो कैसा भी पूछ ले, बड़ा कौन सा है छोटा कैसा है ना, लेकिन एक फैक्ट बनता है कि सबसे बड़ा जो जलमार्ग है वो एन डब्ल्यू वन है इलाहाबाद से हल्दिया, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सादिया से धुबरी पट्टी दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये एन डब्ल्यू टू है, एन डब्ल्यू थ्री कोल्लम से कोट्टापुरम है, एन डब्ल्यू फाइव काकीनाडा से मराकनम है, और जो एन डब्ल्यू फाइव है, एन डब्ल्यू फोर काकीनाडा से मराकनम, एन डब्ल्यू फाइव तलचर से धामरा, और एन डब्ल्यू सिक्स से लखीपुर से भागा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये पूरे छः के छः याद करा देते हैं वैसे हम, लेकिन मैं आपको बता दूं इनके सबके कोड बने हुए हैं, इसलिए ये हमें भी अच्छे से याद रहते हैं और हमारे स्टूडेंट को भी अच्छे से याद रहते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि पहला याद किया हमने इलाहाबाद हल्दिया, और दूसरा याद किया सादिया धुबरी पट्टी, तो इसको जब हम ये कहीं ना कहीं याद कराते हैं, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम ये सारी चीज़ें उसी समय याद करा देते हैं, जिससे टेंशन नहीं होती, जलमार्ग हो चाहे वायुमार्ग हो स्थल मार्ग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेन है जो आपका आंसर वो क्या है, आपका तीसरे नंबर का आंसर है इस क्वेश्चन का, कि भाई सबसे बड़ा जलमार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया है गंगा नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। देखो बॉक्साइट से ही मिलता है हमें एल्यूमिनियम, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम का बहुत अच्छा अयस्क है, अयस्क यानी कि ओर्स जिसे अपन बोलते हैं, ओर्स बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट, तो जब आप इसको केमिस्ट्री पढ़ते हो या खनिज वाला टॉपिक पढ़ते हो तो वहाँ पर मिनरल्स वाले टॉपिक में ये चीज़ का डिस्कस कर लिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। दूसरा बॉक्साइट हमारे भारत के अंदर उड़ीसा में बहुत मिलता है, कहाँ पर मिलता है, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन बहुत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है काकरा पारा परियोजना ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है। तो काकरा पारा परियोजना जो है ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, परियोजनाओं से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ाते हैं। तो काकरा पारा परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर गुजरात में है, ठीक है। तो भैया ताप्ती नदी, नदी भी पूछ सकता था, हालांकि ताप्ती नदी तो नहीं दिया लेकिन राज्य पूछा गया है तो गुजरात में है। नदी कौन सी है बेटा, ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी पर गुजरात में काकरा पारा परियोजना है।
हमने इसको बहुत अच्छे से एक लॉजिक से याद कर रखा था, ठीक है। काकरा पारा से देखो, काकरा यानी काकरा, देखो काकरा पारा यानी कि जब पारा एकदम माइनस में चला जाए, एकदम पारा नीचे गिर जाए तो हम क्या करते हैं, सर्दी है वो बहुत ज़्यादा होती है, पारा नीचे गिरता है तो भैया हम क्या करते हैं, घर में तापते हैं। सब लोग अपने घर में क्या करते हैं, तापते हैं। तो कब तापते हैं भैया, दिन में के रात में? हाँ यार, रात में तापते हैं, जब गुजर रही होती है रात, गुजरात। तो गुजरात से अपन को रात समझ में आ रहा है, ताप्ती से तापते समझ में आ रहा है, और फिर ऊपर आपको पता ही है काकरा पारा परियोजना लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो लॉजिक है, और बाकी की जितनी भी परियोजना वगैरह रहती हैं हम ऐसे ही कनेक्टिविटी से याद करते हैं, जिससे क्वेश्चन बनता है यार, बिल्कुल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित डेमू ट्रेन की शुरुआत कब हुई? तो भारत के अंदर जरा लॉजिक लगाओ, जरा अपने हिसाब से भी आंसर दो, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो देखो इसमें डेमू ट्रेन पूछा गया है, सौर ऊर्जा से संचालित यानी सौर ऊर्जा से चलाया जाए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो होगा 2017, क्योंकि ये जो डेमू ट्रेन की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, 2017। अब ये तो खैर ज़्यादा पुराना तो है नहीं, ज़्यादा पुराना होता तो अपन वैसे ट्रेडिशन में आ जाता है, 5 में 14 10 में इतना कुछ नहीं है, क्योंकि 2017 के ज़्यादातर करंट अफेयर्स चल रहे हैं। जैसे कि अभी आपने एक रीवा सोलर प्लांट के बारे में सुना होगा कि भैया रीवा अल्ट्रा मेगा पावर जो है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया है 2020 के अंदर, तो स्वाभाविक एक बहुत बड़ा अपने आप में संयंत्र स्थापित किया गया है, तो रीवा अल्ट्रा प्लांट जो है, अल्ट्रा मेगा प्लांट जो है, तो अपने आप में विश्व का बहुत बड़ा अपना एक पावर प्लांट है, तो एशिया का तो सबसे बड़ा है ही, विश्व के अंदर भी अगर देखा जाए तो विश्व का शायद दूसरा जो भी है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन बने तो उनको भी अपन को याद रखना है कि भैया कौन सा ऐसा बड़ा काम किया जा रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये 2017 का फैक्ट है, ये भी करंट अफेयर्स से लगभग 4-5 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। मैं बार बार करंट अफेयर्स शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पेपर में ये चीज़ आती हैं, पर क्या होता है हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते है ना, वर्तमान में क्या चल रहा है उन घटनाओं को रोज़ का रोज़ आप अच्छे से उसका नोट्स बना के तैयार करते चलो, और फिर उन नोट्स का रिविज़न भी रेगुलर करते जाओ, जिससे आपका 5-6 महीने बाद, 1 साल बाद जब भी पेपर हो आप उन नोट्स का रिकॉल करते रहो, अच्छे से तैयार करते जाओ, और आगे जाके पेपर में आप उसको सही कर पाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम विभाजन संग्रहालय, देखो प्रथम विभाजन संग्रहालय दिया है और भारत का प्रथम है, तो स्वाभाविक है लॉजिक से समझ सकते हैं अपन कि एक तो प्रथम होगा, दूसरा भारत का विभाजन शब्द लिखा हुआ है तो बहुत पुराना होना चाहिए, तो बहुत पुराना होगा भाई, तो इसमें इंदौर तो है नहीं, दिल्ली भी नहीं है, अमृतसर जैसलमेर, इसका सही आंसर है अमृतसर, ठीक है। अब चूंकि एक शब्द लिखा हुआ है कि प्रथम विभाजन संग्रहालय, विभाजन संग्रहालय का मतलब हमारे भारत का विभाजन हो गया, भारत से अलग होके पाकिस्तान बन गया, और पंजाब एक ऐसा राज्य है कहीं ना कहीं जो बिल्कुल बॉर्डर पर है, इधर भारत तो उधर पाकिस्तान, तो स्वाभाविक है अमृतसर के अंदर एक प्रकार का एक विभाजन संग्रहालय बनाया गया, जिसमें कुछ ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं, जैसे जलियावाला बाग से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती, जब जलियावाला बाग हम अमृतसर में घूमने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को, और उसी के आसपास कहीं ना कहीं संग्रहालय जिससे हमें ये जानकारी मिलती है, जो जलियावाला बाग हुआ था वो कुआं जो है जिसमें लोग कूद गए थे और उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये कहाँ पर बेटा, अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 2017 में मध्य प्रदेश शासन ने कुमार गंधर्व सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? बेटा करंट अफेयर्स देखो कितना टकरा रहा है एमपी पुलिस जैसे पेपर में, ठीक है, इसलिए अगर आपने ट्रेडिशनल में सब कुछ रट रखा है या लूसेंट किताब पूरी रट रखी है या जनरल नॉलेज की कोई भी किताब रट रखी है, तो आप ये ना सोचें कि आप उसी के बलबूते पर पेपर निकाल लोगे, तो आपको करंट अफेयर्स बहुत इंप्रूव करना पड़ेंगे, लगभग 33 के समथिंग मैंने 33 के समथिंग इसमें क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के, बाकी के रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन थे, तो मैं आपको ये करा रहा हूँ, और इनमें से जहाँ तक है आप देखेंगे अगर काउंटिंग करोगे तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से ही मिलेंगे, तो इसलिए इतना बड़ा रेशो है 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, अगर हम ये तैयार नहीं करेंगे तो हमें बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो जीके में करंट अफेयर्स की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स जैसा भी हो जो भी हो आप अपने हिसाब से उसको जरूर तैयार करें, ठीक है। कुमार गंधर्व सम्मान था, हालांकि 2017 का पूछा है, तो अमीर अली, उस्ताद अमीर अली, तो ये इसलिए पूछ लिया क्योंकि अमीर अली सम्मान समारोह भी होता है इंदौर के अंदर, जावेद अख्तर तो बहुत अच्छे आपको मालूम है राइटर भी हैं, इसका बेटा सही आंसर है कपिला बैनू, ठीक है।
कपिला बेनू हैं, और कपिला बेनू को 2017 में कुमार गंधर्व सम्मान से सम्मानित किया गया था। कुमार गंधर्व सम्मान का आयोजन देवास में होता है और कुमार गंधर्व संगीत अकेदमी देवास के अंदर है, संगीत से संबंधित है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये गंधर्व सम्मान दिया गया था। तो ये गंधर्व सम्मान की अपन बात करें तो 1993 में इस पुरस्कार की मतलब शुरुआत की गई थी, सम्मान की शुरुआत 1993 में हुई थी। ठीक है, ये किसको दिया गया था? कपिला बेनू को, कब? 2017 में। नेक्स्ट देखते हैं, अब लिखा हुआ है इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार हर वर्ष कब दिया जाता है। ठीक है, पद्म पुरस्कार के अंदर ये तीन प्रकार के पुरस्कार होते हैं। पद्म पुरस्कार में सबसे पहला होता है बेटा पद्म विभूषण, इनका भी एक उसी तरीके से अपन लिख रहे हैं इनका क्रम। दूसरे नंबर का होता है पद्म भूषण, और बेटा तीसरे नंबर का होता है पद्मश्री। ठीक है, यानी कि इन तीनों में सबसे पहले नंबर पर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, और फिर होता है पद्मश्री। तो इन सम्मानों से सम्मानित भी कई प्रकार के जो भी व्यक्ति होते हैं अपनी स्टेट का, अगर कोई है, चाहे उसको पद्मश्री मिलाओ, पद्मभूषण मिलाओ, पद्मभूषण मिलाओ, वो सारे नाम हमें क्लियर होना चाहिए, हमारे पास नोट होना चाहिए, और हम उनको पढ़ें और उनको याद भी करके रखें कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको बता पाएं। ठीक है, तो ये दूसरा इसकी एक विशेषता है, गांधी जयंती पर ऐसा कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता हमें पता है, स्वतंत्रता दिवस पर दिए जाते हैं, इनमें से कोई है नहीं, हालांकि वो इसलिए दिया है कि आप ऐसा भी कर सकें, लेकिन सही आंसर है इसका गणतंत्र दिवस, यानी कि 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी को ये पुरस्कार यानी गणतंत्र दिवस पर ये पुरस्कार पद्म सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अब वो किसी को पद्मश्री मिलता है, कदम को विभूषण मिलता है, किसी को भूषण मिलता है, लेकिन सबसे कम जो मिलता है वो पद्म विभूषण मिलता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये, लेकिन पद्मश्री काफ़ी लोगों को 25, 30, 35, 40 लोगों को ये पद्मश्री सम्मान मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है इसमें कि अंग्रेजों के विरुद्ध उनके बहादुर युद्ध के लिए रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्वाभाविक है रामगढ़ मंडला का आपने नाम सुना होगा, हालांकि अब रामगढ़ डिंडोरी में आ गया कि 1998 में डिंडोरी की स्थापना कर दी गई थी मंडला से अलग करके। तो रामगढ़ में कहीं ना कहीं देखा जाए रानी अवंती बाई की समाधि है, तो स्वाभाविक है ऑप्शन देख लो, रानी लक्ष्मीबाई तो है नहीं, पद्मावती है नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो है रानी अवंती बाई लोधी। तो रानी अवंती बाई की समाधि वैसे भी रामगढ़ डिंडोरी में है, तो ये कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह की रानी थी, अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने बड़ी बहादुरी से वो लड़ी थी, रानी अवंती बाई, इनकी सहायिका थी झलकारी बाई। ठीक है, तो स्वाभाविक है रानी अवंती बाई को अपन को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 1973 में, ठीक है, लॉन्च किया गया था भाई 1973 में, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जो 1973 में लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्टर जो है राइनोसारस के लिए, या बारासिंगा के लिए, या घड़ियाल के लिए, या टाइगर प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये हमें सबको पता ही रहता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 में। इसी टाइगर प्रोजेक्ट को 1974 में हमारे MP के अंदर भी शुरू कर दिया गया था। हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 6 नेशनल पार्क हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। ठीक है, तो 1973 है, 1973 है, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। तो ईयर के हिसाब से अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि राइनोसारस है, कि बारासिंगा, की घड़ियाल है, कि टाइगर प्रोजेक्ट है। तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में हमारे मध्य प्रदेश, हमारे इंडिया में आया था, और हमारे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के अंदर। बाकी का ये 1955 में अगर देखा जाए तो 1955 में कानाकेशी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1933 में कानाकेशी राष्ट्रीय उद्यान जो था एक अभ्यारण बना था, 55 में उसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, और स्वाभाविक है 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू राजस्थान, तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, माउंट आबू की लोकेशन क्या है? ये राजस्थान में आता है, बहुत अच्छा हिल स्टेशन राजस्थान का, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सबको पता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसदेवा। तो वसदेवा क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय कहाँ पर रहता है? यानी कि एक वसदेवा गायन होता है, और वसदेवा गायन गाने वाले जो लोग हैं इनका एक समुदाय है, तो वो ये समुदाय कहाँ पर है, मतलब ये समुदाय कहाँ रहता है,
ये बुंदेलखंड में रहता है, बघेलखंड में रहता है, मालवा में रहता है, छोटा नागपुर में रहता है। जब हम पठार प्लेटू ऑफ एमपी पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के पठार पढ़ते हैं, तो उसमें हमें बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ये सारी चीज़ें अपन को उसमें पढ़ने पड़ती हैं। मध्य भारत का पठार भी पढ़ना पड़ता है। तो ये एक लोक गायन वाला, जब आप मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला, मध्य प्रदेश की संस्कृति जब आप पढ़ते हो, तो तब जाके आपको ये टॉपिक मिलते हैं पढ़ने के लिए। जैसे कि ये बसदेवा लिखा है, इसके अलावा एक नाम और आता है विदेशिया, ठीक है। हालांकि विदेशिया एक नृत्य भी होता है जो झारखंड में होता है, लेकिन विदेशिया एक गायन भी होता है जो हमारे मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। विदेशिया के अलावा एक और है जगदेव पवारा, इनकी अलग अलग ब्रांचेस हो गई है ना। बसदेवा है, विदेशिया है, जगदेव पवारा है, ये तीनों लोक गायन क्षेत्र जो हैं ये आते हैं बेटा बघेलखंड में। कहाँ पर आते हैं? बघेलखंड में। तो जब आप एमपी पढ़ेंगे, एमपी के अंदर जब ये लोक चित्रकला वगैरह संस्कृति वगैरह पढ़ोगे, तब जाके आपको ये चीज़ मिलेगी। ऑलरेडी हमने अपने नोट्स में भी इन चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो स्टूडेंट वैसे भी इसको सही करके आए। तो वसदेवा जो है, वसदेवा का जो संबंध है वो कहाँ से है? बघेलखंड से है, ये आपको पता होना चाहिए। बघेलखंड का पठार का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। बघेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है, स्मॉलेस्ट प्लेटू, ठीक है। सबसे छोटा बघेलखंड का पठार है, ठीक है। सबसे बड़ा पठार है मध्य प्रदेश का, वो मालवा का पठार है, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुशंगशाह का मकबरा कहाँ पर है, ये पूछा गया था। तो हुशंगशाह का मकबरा जो है आपका, ये पातालकोट छिंदवाड़ा में, चंदेरी तो अशोकनगर में, मांडू जिला धार, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि मांडू का जो किला है वो किसने बनवाया था? हुशंगशाह ने ही बनवाया था। हालांकि मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सिटी ऑफ जॉय कैसे कहा जाता है, तो सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद की नगरी मांडू को कहते हैं। मांडू के अंदर आपका असरफी महल है, ठीक है, असरफी महल है, जहाज महल है, रानी रूपमती महल है, बाज बहादुर महल है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं शायद दाई का महल भी है। इस जहाज महल को हिंडोला महल भी बोलते हैं, कभी हिंडोला भी लिखा जाता है, हिंडोला महल भी लिखा जाता है, समझ रहे हो। इतनी सारी चीजें इसमें है। हुशंगशाह का मकबरा, हुशंगशाह का मकबरा भारत का, पूरे भारत का संगमरमर से निर्मित, ठीक है, संगमरमर से निर्मित सबसे पहला मकबरा है। हालांकि संगमरमर से निर्मित हमें एक मकबरा ध्यान आता है कि हाँ भाई ताजमहल है, लेकिन ताजमहल तो बात की बात है। ताजमहल जो है वो 1632 में उसका कार्य शुरू किया गया था, 1654 में वो कंप्लीट हुआ था, 22 साल लगे थे ताजमहल को बनने में, 1632 में उसका कार्य शुरू हुआ था ताजमहल का, लेकिन ये है 1300-1400 के लगभग है। तो स्वाभाविक है हुशंगशाह का मकबरा संगमरमर से निर्मित सबसे प्रथम मकबरा बताया जाता है, सबसे पहला, इसके बाद में फिर ताजमहल बने हैं, ठीक है, इसको याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी, अब लिखा हुआ है हैदराबाद, यानी 2018, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि 2017 में बता दिया गया था आगामी 2018 में जो विज्ञान कांग्रेस की जाएगी तो वो कहाँ पर की जाएगी। तो आप बता सकते हैं कौन से क्रम का होगा, मीटिंग कौन से नंबर की होगी। ये जो मीटिंग है 105वें नंबर की मीटिंग होगी, 2019 में होगी तो 106 नंबर की, या 2020 में होगी तो 106 नंबर की, मतलब कहने का मतलब अगली जो होगी वो 106 नंबर की। तो ऐसी 105वीं मीटिंग है जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जिसकी मेजबानी हैदराबाद, यानी हैदराबाद के अंदर ये की गई। कांग्रेस का मतलब केवल कांग्रेस पार्टी से नहीं है, कांग्रेस का मतलब एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 2018 में हैदराबाद में 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की गई, या ये 2018 में उसका आयोजन किया गया, ठीक है। यानी कि इस प्रकार का कोई भी मीटिंग्स होती है, कोई भी ऐसा कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी ऐसा सम्मेलन होता है, तो हमें वो याद रखना होता है कि आगामी अगर बता दिया वो भी याद रखो, वर्तमान में कहाँ पर है वो भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन लगभग 30 डिग्री पर द्रव धातु है।
हालांकि यहाँ पर पारा है, ये पारा तो लिखा हुआ जरूर है लेकिन मरकरी है वो पारा है, ठीक है, पारा के बारे में दिया गया है। हालांकि ये एक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कि सीजीएम है, ब्रोमीन है, ये कब द्रव अवस्था में होगा, ठीक है। हालांकि जहाँ तक है ब्रोमीन जो होता है ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु होती है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु, लेकिन पारा जो होती है वो द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु होती है, ठीक है। तो सी जी एम भी है, तो इनका 30 डिग्री सेल्सियस का पूछा गया है, तो इनका क्रम क्या है, तो इसमें ये जो गेलियम है, सी जी एम है और पारा, ठीक है, ये तीनों हैं, ये तीनों 30 डिग्री सेल्सियस पर एक लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होंगे 30 डिग्री सेल्सियस पर, चाहे वो गेलियम हो, सी जी एम हो या फिर वो पारा हो। तो हमें पारे के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन हालांकि इसमें हमें कन्फ्यूज करने के लिए तीनों ऑप्शन में उसने पारा दिया है, ठीक है, मरकरी दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर नॉलेज है हमें थोड़ी बहुत, तो अपन उसको बता सकते हैं कि गेलियम, सीजियम, पारा, क्योंकि लिखा हुआ निम्न वैसे लगा हुआ 30 डिग्री सेल्सियस द्रव पर धातु, ठीक है, धातु पूछी है, अधातु नहीं पूछी है, तो ब्रोमीन तो वैसे भी हट जाएगा, ब्रोमीन तो वैसे भी हट जाएगा, ठीक है, हट गया ब्रोमीन, ये निकल के आ गया, ठीक है, गेलियम, सीजियम, पारा, यानी कि आपका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है भाई। चलो अगला पढ़ते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी कृषि शास्त्रीय स्थिति खेती संबंधित अभ्यासों फल की पैदावार को प्रभावित करती है। तो फल की पैदावार को कौन सी चीज, मृदा की गुणवत्ता, बिल्कुल, अगर अच्छी नहीं होगी तो प्रभावित होगी, मौसम बेकार होगा तो प्रभावित होगी, जल संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो प्रभावित होगी। तो इसका सही आंसर होगा बेटा उपयुक्त, तो सभी नॉर्मल क्वेश्चन है ये, तो कोई भी आंसर दे सकता है, पर अगर पढ़ के घबरा गया, पता नहीं कहाँ का क्वेश्चन है, क्या है, एग्रीकल्चर का क्या दे दिया, तो दिक्कत है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी आंसर दे सकता है अगर सही से पढ़ेगा तो, ठीक है, मृदा की गुणवत्ता, मौसम, जल संसाधन बता सकते हैं, ठीक है। प्रकाश का अपने संगठन रंगों में विभाजित होना, यानी कि प्रकाश जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक प्रकाश का एक विस्तार हो जाना है ना, प्रकाश का संगठन एक जगह, प्रकाश का अपने संगठक रंगों में विभाजित हो जाना। तो जब विभाजित होता है तो वैसे तो आपको पता है बैजानी है, पीनाला, बैगनी है, जामुनी है ना, जब वो इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष यानी प्रकाश में 7 रंग हमें दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकाश का एक कारण है जो इसमें कलर दिखाई दे रहे हैं, परावर्तन में हमें कोई कलर नहीं दिखता है, स्पेक्ट्रम में भी कोई विशेष वो नहीं है, और सामान्य तो कोई बात ही नहीं है। तो मेन है आंसर आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे बोलते हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट, और स्केटरिंग ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग जो है वो कैसा दिखाई देता है बेटा, नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रखेंगे, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों देता है समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब लिखा हुआ है इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में ग्लूकोज, ये उपापचय है, अब उसी में गलत लिखा आ गया, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उपापचय है, ये गलत लिखा हुआ था पेपर के अंदर, तो उपापचय की जो क्रिया है मेटाबॉलिज्म है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में ग्लूकोज के उत्पादों को चुने, तो भाई बोले पाइरूविक अम्ल ऊर्जा, लैक्टिक एसिड ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्कोहल ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा, तो बेटा इसका सही आंसर है कि जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो हमारी मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक एसिड का जमाव होता है, एनर्जी तो अपनी वेस्ट होती है, तो अपना जो सही आंसर है वो लैक्टिक एसिड एनर्जी है, क्योंकि ये चीज़ मैंने शायद इससे पहले वाले पेपर में भी आपको बताया था, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी जो है ये आपका आंसर होगा, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारे मांसपेशियों के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, यदि एक परमाणु के KLMN कोश पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भर दिए जाते हैं तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो परमाणु की अगर अपन बात करें तो परमाणु में एक सर्कल बना दिया अपन ने, ठीक है, अब इसमें भी इनके नाम होते हैं, क्योंकि इसमें KLMN दिया गया है, तो KLMN को थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये वाला पोर्शन है, ये मान लीजिए K है, तो K आएगा 2, ठीक है, फिर ये वाला है L आएगा, ठीक है, 8, फिर ये वाला है, ये वाला आएगा 18, फिर एक और आएगा इसी में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने
एम एन तक दिया गया है, के एल एम, ठीक है, तो के एल एम यहाँ पर एम आ जाएगा, के एल एम, ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये 18 है, 18 है, 18, ये एम आ जाएगा यहाँ पर, और फिर एक और बना देंगे अपन इसके ऊपर, एक और आ जाएगा, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एन बोल देंगे, और जो लास्ट वाला होगा वो होगा 32, ठीक है, 2 8 8, ठीक है, 2 8 8 18, यानी कि अगर देखा जाए 2 8 8 होगा, यानी के एल एम एन लिखा हुआ है, तो के में आ जाएगा, के में आ जाएगा 2, ठीक है, एल एम और एन, ठीक है, 2 8 8 2 8 18 32, ठीक है, इनको अगर अपन जोड़ते हैं, ठीक है, 8 10 20 50 और 60, ठीक है, 2 8 18 32, 2 8 18 32 है, तो 8 2 10 हो गया, ठीक है, 8 2 10 हो गया, और फिर 28 हो गया, 30 और 30 60, इनका जब अपन टोटल कर रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा है, 60 निकल के आ रहा है, यानी कि जब उसको पूरी तरीके से के एल एम एन में, यानी कि एक क्रम होता है 2 8 18 32, ठीक है, 2 8 18 32 एक क्रम होता है, ये केमिस्ट्री में जब पढ़ती है पीरियोडिक टेबल वगैरह जब पढ़ते हैं तब स्टूडेंट को क्लियर होता है, ठीक है, तो इसको अगर टोटल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है भैया, 60 आ रहा है, जब हम उनको टोटल करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसमें 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये जरूर याद रखना कि भाई के एल एम एन जो होता है उसका एक 2 फिर 8 फिर 18 फिर 32 इस तरीके से चलता है, जिनकी एक एक ऑर्बिट पूरी हो गई, दूसरी तीसरी चौथी इस तरीके से, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें, हाँ इसमें लिखा हुआ है कि शब्द जीन, जीन के द्वारा गठित, मतलब जीन के बारे में किसने पढ़ा है, किसने बताया है, जीन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे आपको नाम दिख रहा होगा, मेंडल है, मेंडल, मेंडल ने मटर के दाने पर एक कहीं ना कहीं परीक्षण किया गया था, मेंडल, मेंडल का नाम सुना होगा आपने, अनुवांशिक के बारे में बताया था, अनुवांशिकी शब्द वेटसन ने दिया था, वाटसन लिखा हुआ है, वाटसन ने दिया गया, जॉनसन ने कहीं ना कहीं जीन का अध्ययन किया था, जीन का अध्ययन किया था, जीन का अध्ययन करने वाला कौन था, जॉनसन, जॉनसन यानी जोहानसेन भी आ जाता है कभी इसका नाम लिखा हुआ, हिंदी में जोहानसेन भी लिखा जाता है, ये है जॉनसन, जोहानसेन, ठीक है, तो जीन का अध्ययन करने वाला व्यक्ति था ये, आप जब आप कहीं ना कहीं बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के अंदर ये चीज़ आपकी और क्लियर हो जाती है, ठीक है, तो जीन का अध्ययन जोहानसेन या जॉनसन ने किया था, तो इसलिए जीन द्वारा गढ़ा गया, इस तरीके से उसकी व्याख्या करने वाला व्यक्ति है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की कक्षा तथा सूर्य के मध्य का ग्रह कौन सा है, ठीक है, पृथ्वी की कक्षा और सूर्य के मध्य का ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी की कक्षा तथा सूर्य के मध्य का ग्रह कौन सा है, मंगल है, बृहस्पति है, बुध है या नेपच्यून है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एक क्रम, एक क्रम पता होना चाहिए, और वो क्रम का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए ये सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर कहीं ना कहीं ग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो कौन सा ग्रह का क्रम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको मालूम है कि सूर्य की दूरी से अगर अपन जाते हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, ठीक है, शनि ग्रह है, अरुण ग्रह है, वरुण ग्रह है, ये क्रम चलता है जब सूर्य से हम क्रम में जाते हैं, तो अगर हमें ये क्रम याद होगा तो हम इसका आंसर बिल्कुल सही दे सकते हैं, हालांकि इसकी एक ट्रिक है, बीएसपी मायावती को सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं ना, तो बी से आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर आपका मंगल आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा, फिर आपका शनि ग्रह आ जाएगा, फिर अरुण आ जाएगा, फिर वरुण, यूरेनस, नेपच्यून जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब क्रम पता होना चाहिए, अब आप इसमें से देख लो कि कौन सा बीच में दिख रहा है भैया, बुध दिख रहा है, मंगल बाहर है, नेपच्यून बाहर है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा बेटा बुध हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट जो है वो बुध ग्रह है, और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, इतना तो सबको पता ही होगा, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, शुक्र अगर दे देता तो वो कैंसिल भी हो सकता था, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में शुक्र भी है और बुध भी है,
तो आपका जो ऑप्शन है उसके हिसाब से, अगर आपको क्रम याद होगा तो इसमें साइज के हिसाब से भी पूछा जा सकता था, लेकिन क्रम के हिसाब से पूछा है कि सूर्य है, सूर्य के पास में, उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर चीज, हर सब्जेक्ट अपने आप में विशेष रोल रखता है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी, तो आप ये मामूली क्वेश्चन लगेगा। ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी तो आपको बहुत बड़ा भयंकर क्वेश्चन लगेगा। केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, साइंस नहीं पढ़ा होगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, बायोलॉजी नहीं पढ़ी होगी, तो दिक्कत आएगी। इसलिए जहाँ तक है, जीके के ज़्यादातर सब्जेक्ट हमारे कवर होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट तथा उन्हें धारक पात्र शामिल होता है, कहलाता है। कुल मिला के एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोटाइप और बेसल कंटेंट जो होता है वो किस, इनका जो कंटेंट होता है, चाहे इलेक्ट्रोड हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो, उनका कंटेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं, क्या उसको थर्मामीटर बोलते हैं, क्या उसको एमीटर बोलते हैं, या फिर उसको एक इलेक्ट्रोमीटर बोलते हैं? तो ये चार ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से आंसर गेस करो, इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा बेटा सही, वो होगा आपका वोल्ट मीटर, क्योंकि जो वोल्ट मीटर होता है एक प्रकार से विद्युत धारा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत धारा इसके अंदर बदलती है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जो होगा वो वोल्ट मीटर होगा। एमीटर होता है कि एमीटर अलग चीज़ है, ये विद्युत धारा प्रवाह को नापता है, तो ये नहीं है, इलेक्ट्रोमीटर नहीं है। थर्मामीटर अलग ही चीज़ होती है, ठीक है। बैरोमीटर वायुदाब के लिए होता है, तो मेन है इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ध्रुव तारा आकाश में स्थित दिखाई देता है क्योंकि, थोड़ा लगाएं दिमाग, क्या आंसर होना चाहिए इसका? ध्रुव तारा आकाश में स्थिर दिखाई देता है, स्थिर क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह पृथ्वी के परिक्रमा की धुरी पर स्थित है, यह सर्वाधिक चमकीला है, सप्तर्षि के छोरों पर एक काल्पनिक रेखा है, यह तारे गति नहीं करते। इसका सही आंसर है, यह पृथ्वी के परिक्रमण की धुरी पर स्थित होता है, यानी जहाँ पर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की, उसी परिक्रमण में ये स्थित है, रास्ते में मिलता ही है। परिक्रमा जो पृथ्वी कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो परिक्रमण और परिभ्रमण, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण, तो यानी कि जहाँ पर पृथ्वी है उसी के पास में है, इसलिए वो कहीं ना कहीं हमें स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि जो चीज़ हमारे साथ साथ चलेगी, जो चीज़ हमारे साथ साथ चलेगी, तो स्वाभाविक है वो हमें दिखाई देगी। तो इसके परिक्रमण की धुरी पर स्थित है, इसलिए वो हमें हमेशा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से क्या एक प्रकार का उपकला या ऊतक नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि अगर आपने उसको सही से साइंस को पढ़ा होगा तो बता सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें एक अलग है, शल्की, स्तंभकार, घनाकार, संयोजी। तो देखो, इसमें पूछा गया निम्न प्रकार में से, मतलब क्या एक प्रकार का एक उपकला ऊतक नहीं है, ऊतक नहीं है, ठीक है। तो ऊतक नहीं है यानी कि ये तो उसका प्रकार हो गया कि ये शल्की है, स्तंभकार है, घनाकार है, लेकिन ये संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। ये ऊतक है, ऊतक यानी कि टिश्यू है, तो ये संयोजी ऊतक है, ठीक है, ये संयोजी ऊतक है, तो एक तो ये होता ही है। इसलिए वैसे तो ये चार प्रकार के होते हैं ऊतक, कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक एपिथिकल टिश्यू भी होता है इसमें उपकला, एक हो गया एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेकंड नंबर का हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू, दो हो गए। थर्ड नंबर का एक मस्कुलर, मस्कुलर होता है, मसल से संबंधित होता है। और फोर्थ नंबर का होता है आपका जो बोलते हैं तंत्रिका कोश का संबंधित, नर्व, ठीक है। तो नर्व सेल्स, तो नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है, यानी चार प्रकार के टिश्यू होते हैं, उनमें से उन्होंने टिश्यू का प्रकार ही दे दिया है ना। हालांकि ये तीन क्या है, तीन उनका मतलब ये टिश्यू ही है, चार प्रकार के टिश्यू होते हैं ना, तो यहाँ पर टिश्यू दे दिया ये वाले ऑप्शन में, बाकी के तीन तो उनकी बनावट हो गई, उनकी बनावट हो गई। बनावट होना वो बात अलग है, पर वो कौन कौन से होते हैं, उनके अलग अलग ब्रांच जो भाग हैं वो अलग अलग हैं। तो मेन है चार प्रकार के टिश्यू होते हैं, उनमें से संयोजी ऊतक जो है, ये ऊतक है, ये संयोजी ऊतक है, वो प्रकार है, ठीक है। वो कैसे होते हैं ये है, लेकिन ये ऊतक ही दिया हुआ है, इसलिए ये अलग है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला दिया हुआ है, साइंस का ही क्वेश्चन है, कौन सा जीव सूक्ष्मदर्शी नहीं है, मतलब ऐसा जीव जो हमें, जिसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती।
तो बेटा वो है जीवाणु को देखने की जरूरत पड़ती है। विषाणु भी सूक्ष्मदर्शी से देखेगा, अमीबा भी देखेगी, आपका आंसर होगा जू। यानी कि जो जू होता है, यानी सिर में पाया जाने वाला जो जू होता है, जिसे जुआ बोलते हैं, तो उसको हम खाली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका स्त्राव निम्न के द्वारा संशोधित संकुलित किए जाते हैं। तो भैया इसमें लिखा हुआ है सेल सिक्रीशन, सिक्रीशन होता है, तो कोशिका के अंदर सिक्रीशन, संग्रहण एवं सिक्रीशन होता है, ये पूछा गया है कि जो सेल होती है उसमें सिक्रीशन कहाँ होता है। तो सेल के अंदर संग्रहण एवं सिक्रीशन की अपन बात करें, तो संग्रहण एवं सिक्रीशन होता है, वो होता है बेटा गोल्जी बॉडी में। कहाँ पर होता है? गोल्जी बॉडी। बायोलॉजी के अंदर जब सेल का चैप्टर पढ़ोगे, तो सेल के चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जो गोल्जी बॉडी होती है वो पदार्थों का संग्रहण एवं सिक्रीशन करता है, इकट्ठा करना और उनका स्त्राव करना, ये किसका काम है? गोल्जी बॉडी का काम है, ठीक है। बाकी का न्यूक्लियस अलग है, केंद्रक अलग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इसमें हो जाएगा। इसके अलावा ये जो है आपका माइकोकोंड्रिया, माइटोकोंड्रिया में अगर देखा जाए, इसको कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस, यानी कि जो एनर्जी मिलती है वो इसी से, माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार आपका ये पूरा एमपी पुलिस का जो पेपर में जो जीके के क्वेश्चन आए थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आए थे। तो आप स्वाभाविक समझ सकते हो कि जीके जीएस को कवर करने के लिए हमें जातक है ज़्यादातर ऐसे सब्जेक्ट कवर करना पड़ेंगे, तभी हम उस पेपर को अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो बेटा अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले पेपर को देखेंगे हम, और उसके जीके जीएस को देखेंगे, और आप तैयारी में जुट जाइए अभी से, मेहनत करिए बढ़िया अच्छे से, जो टॉपिक आए उनको पहले अच्छे से कवर कीजिए, जैसे एमपी है, इंडियन ज्योग्राफी है ना, आपका साइंस वाला पोर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है, हिस्ट्री में ऐसा कोई विशेष इसमें अभी आया नहीं है, टकराया नहीं दोनों पेपर में, लेकिन जहाँ तक है ये दो तीन सब्जेक्ट तो आपके बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपना कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अपना थोड़ा सा फीडबैक भी दे सकते हैं कि सर जो भी चीज़ें हैं हम अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि अपनी पढ़ाई अच्छे से रखो और जल्द ही इस पर आपको सक्सेस करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।